Shiram, Jai Shiram. Vande Mataram, Jai Shiram. Jai Shiram, Jai Shiram. Vande Mataram, Jai Shiram. Jai Shiram, Jai Shiram. Jai Mat Sardar ki. Jai Rana Pratap ki. Jai Mat Sardar ki. Jai Rana Pratap ki. Rana ki Jai Jai. Shiva ki Jai Jai. Rana ki Jai Jai. Shiva ki Jai. جيش يا رام جيش يا رام جيش يا رام ميديا ولا بيه سب
सब है तारीख 25 है बाबू कट गया बाबू बड़ा नहीं बड़ा अरे पूरी भजन पासरी बड़ी भजन मंडली लाया आदमी यार नहीं नहीं मजा आ गया मजा आ गया भाई गया दोस्तों नमस्कार 25 मार्च 2023 जैसा कि हम जानते हैं कि उदयपुर पुलिस द्वारा हमारे बागेश्वर धाम के महान संत के ऊपर एक केस कर दिया गया है। हमारे उदयपुर के जितने भी भक्त लोग हैं वो बहुत नाराज है और आज यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और भी आप कुछ कहो, कुछ दो शब्द बोलो 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 बापू बोलो 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 भाई जी बोलो। आज हिंदू संगठन की शक्ति थी, आज सुबह से जो हनुमान चालीसा और जो उग्र प्रदर्शन था उससे प्रशासक को सरेंडर होना पड़ा और पांचों अपने युवा साथी थी उनकी जमानत हुई है और आगे जैसा भी संगठन का आदेश होगा सभी जने मिलके जैसा संत का संतों का और संगठन का आदेश होगा आगे संघर्ष जारी रखेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। तो दोस्तों ये देखो ढोलक तमूरे भजन मंडली बहुत बड़े बड़े महाराज आए थे भाई, ये महाराज आए थे भजन मंडली वाले। तो आप क्या बोलने चाहो, आपने भजन बोले वो क्यों बोले? सर्वप्रथम हिंदू नव वर्ष के दिन सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो कुंभलगढ़ पर जो भगवा फेराने की बात आई थी, मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुबह 11 बजे से ना खाए पिए जहाँ बैठे हुए हैं और तीनों भाइयों पांचों भाइयों को रिहा करने में सभी ने जो सहयोग किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आज उन्होंने पब्लिक के साथ जो अन्याय किया है उसका हम जरूर एक दिन उसका जवाब देंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एक बजे एक भजन और गई दो बज रहा हूँ बिल्कुल भजन तो भजन बोलो चले भजन। वीर हनुमाना बजवाना वीर हनुमाना बजवाना राम राम वाह मनोज जी भाई साहब धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, सभी लोगों का ऐसी एकता बनी रहे सभी में। वापिस हम सड़कों पे आएंगे और जरूरत पड़ेगी इस FIR को उठाने के लिए। कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए हम इस FIR को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेवाड़ के ऊपर ये कलंक है,
कि हमारे को आशीर्वाद देने आए ऐसे हमारे पूज्य संत के ऊपर अगर आप अगर एफआईआर दर्ज कर देते हो तो इसका मतलब हमारे यहाँ साधु संतों का अपमान नहीं सनातनियों का अपमान है। तो अभी वो पांचों बच्चे को छोड़ दिया गया है, वो पांचों बच्चे को छोड़ दिया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में हिंदू संगठनों को करीब 6 घंटे बाद सफलता मिली। इधर कुंभलगढ़ में पकड़े गए युवाओं को जमानत मिलने और प्रशासन के आश्वासन के बाद उग्र प्रदर्शन शांत होता दिखाई दे रहा है। सुबह से ही उदयपुर की कलेक्ट्री पर गहमागहमी का माहौल रहा। पुलिस के आला अधिकारी खुद हेलमेट पहनकर लाठियां लिए खड़े नजर आए, जबकि दूसरी तरफ कलेक्ट्री के बाहर से निकलकर भीड़ कोर्ट चौराहे पर पहुंची, जहां घंटों तक भजन कीर्तन का दौर चला। हनुमान चालीसा और भजनों के बीच सेवादारों ने केले और प्रसाद का वितरण किया, तो वहीं पुलिस कलेक्ट्री जाने वाले रास्ते की तरफ लाठियां हाथ में लेकर खड़ी नजर आई। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने मोर्चा संभाला और हेलमेट पहनकर युवाओं को हिदायत देते रहे, लेकिन आक्रोशित युवा कोर्ट चौराहे पर ही डटे रहे। उन्होंने प्रशासन के एफआईआर दर्ज करने को सरकार का दबाव करार दिया है। उनका कहना है कि हिंदू संतों के खिलाफ इस तरह के केस दर्ज हुए तो आंदोलन जारी रहेगा, किसी भी सूरत में हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको आज जो दिन भर हुआ उसको दिखाते हैं। आपने